सक्षम पाठशाला के एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिमी झा और आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे आपके काव्य खंड का जो 11वां पाठ है, जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसकी रचना की है विनोद कुमार शुक्ल ने। इस पाठ से संबंधित, इस पाठ से बनने वाले तमाम प्रश्नों को हम लोग आज देखने वाले हैं। उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको इस पाठ से बनने वाला ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपसे हल नहीं होगा, और आगामी जो आपकी परीक्षा है उसमें आप तमाम प्रश्नों को बनाने में, उनको हल करने में सफल होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज की कक्षा को, और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल को ने कौन सी कविता लिखी है। विकल्प है अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग और हार जीत। एक एक करके समझते हैं। हार जीत जो है यह अशोक वाजपेयी की रचना है, अशोक वाजपेयी की रचना है हार जीत। अगली है पुत्र वियोग, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। और अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है, रघुवीर सहाय की रचना है। अतः हमारा सही जवाब हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है प्यारे नन्हे बेटों को, विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया था। विकल्प है 1988 में, 1990 में, 1992 में अथवा 1994 में। तो विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था सन 1992 ईस्वी में। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1999 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला था। विकल्प है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुई थी। 1971 में, 1972 में, 1973 में अथवा 1974 में। सही जवाब हो जाएगा लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता 1971 में प्रकाशित हुई थी। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। विकल्प है राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय। सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह कौन सी है। विकल्प है वह आदमी, नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं लगभग जय हिंद। तो विनोद कुमार शुक्ल की जो पहली रचना है वह है लगभग जय हिंद। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे नन्हे बेटे को कविता संकलन जो है, कविता जो है वो किस शैली में लिखी गई है। व्यंग्यात्मक शैली, वार्तालाप शैली, प्रतीकात्मक शैली अथवा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा वार्तालाप शैली में यह लिखी गई है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है प्यारे नन्हे बेटे को कविता का जो नायक है वो कहाँ का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का, मध्य प्रदेश का अथवा हिमाचल प्रदेश का। तो सही जवाब हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे को कविता का जो नायक है वो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा, भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल 20वीं शती के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। 5वें-6वें दशक में, 6ठे-7वें दशक में, 7वें-8वें दशक में अथवा 8वें-9वें दशक में। सही जवाब हो जाएगा 7वें-8वें दशक में वो एक कवि के रूप में सामने आए थे। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय, यह जो रचना है वो किस साहित्यिक विधा की रचना है। यह नाटक है, कहानी है, कविता है अथवा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा महाविद्यालय क्या है, यह कहानी संग्रह है। विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। नौकर की कमीज, कंकाल, इरावती और इनमें से कोई नहीं। आपको बता दूं कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है, कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है और इरावती भी जयशंकर प्रसाद की रचना ही है लेकिन यह अपूर्ण है। हमारा सही जवाब हो जाएगा
नौकर की कमीज या विनोद कुमार शुक्ल की रचना है? विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? विकल्प है महाविद्यालय, पेड़ पेड़ पर कमरा, दीवार में एक खिड़की रहती थी और इंद्रजाल। पूछा गया है कौन सी रचना नहीं है, सही जवाब हो जाएगा इंद्रजाल, विनोद कुमार शुक्ल की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की है? विकल्प है गंगा तट, घास में दुबका आकाश, सब कुछ होना बचा रहेगा और आंसू। सही जवाब हो जाएगा सब कुछ होना बचा रहेगा। यह जो रचना है यह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। गंगा तट या आनंदपति की रचना है, आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है और घास में दुबका आकाश अशोक वाजपेयी की रचना है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर थे? वो मुख्य साहित्यकार थे, अतिथि साहित्यकार थे, मुख्य संयोजक थे या मुख्य सलाहकार थे? सही जवाब हो जाएगा वो अतिथि साहित्यकार थे। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? विकल्प है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अथवा रघुवीर साय स्मृति पुरस्कार। सही जवाब हो जाएगा इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में? इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को, 12 फरवरी 1937 को, 20 मई 1934 को अथवा 12 जुलाई 1944 को? सही जवाब हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? विकल्प है सब कुछ होना बचा रहेगा, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, नौकर की कमीज और असाध्य वीणा। असाध्य वीणा विनोद कुमार शुक्ल की रचना नहीं है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेहनत कश पुरुष और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? सोना के रूप में, लोहा के रूप में, पत्थर के रूप में अथवा लकड़ी के रूप में? मेहनतकश पुरुष और औरत को कवि ने लोहा के रूप में देखा है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की है? विकल्प है दीवार में एक खिड़की रहती थी, कुछ पते, कुछ चिट्ठियाँ, आरे को हरिनाम, मौत मुस्कुराई अथवा इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है दीवार में एक खिड़की रहती थी, कुछ पते, कुछ चिट्ठियां, रघुवीर सहाय की रचना है, आरे को हरिनाम, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? विकल्प है दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, नौकर की कमीज और खिलेगा तो देखेंगे। सही जवाब हो जाएगा नौकर की कमीज, जो इनकी रचना है इसके लिए इन्हें मणिकौल ने एक फिल्म बनाई थी। विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पत्नी बिटिया को क्या करती है? डांटती है, पढ़ाती है, सुलाती है या समझाती है? पत्नी जो है वह बिटिया को समझाती है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है पिता बिटिया को क्या करता है? घुमाता है, खिलाता है, सिखलाता है या मारता है? पिता बिटिया को सिखलाता है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का अगला प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को यह जो कविता है इसमें लोहा किसका प्रतीक है? बंदूक का, मशीन का, कर्म का या धर्म का? सही जवाब हो जाएगा लोहा कर्म का प्रतीक है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को इसके रचयिता कौन है? विकल्प है नीरज बच्चन साहब, विनोद कुमार शुक्ल अथवा अशोक वाजपेयी। सही जवाब हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है प्यारे नन्हे बेटे को इस कविता का या जो कविता है वो किस कविता संकलन से ली गई है? विकल्प है वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, लगभग जय हिंद से अथवा हिम किरीटनी से। प्यारे नन्हे बेटे को यह कविता ली गई है कविता संग्रह वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, इस कविता संकलन से। अगला प्रश्न है कि नौकर की कमीज यह क्या है? यह कहानी है, प्रबंध काव्य है, उपन्यास है अथवा
संस्मरण है तो यह कहानी है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि मैं दादा से बड़ा हो गया, यह किस पाठ की पंक्ति है। अधिनायक प्यारे नन्हे बेटे को, तुमुल कोलाहल हमें अथवा पुत्र वियोग, यह पंक्ति ली गई है प्यारे नन्हे बेटे को कविता से, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल कहाँ रहते थे, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में या छत्तीसगढ़ में। वह छत्तीसगढ़ में रहते थे, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल कहाँ रहते थे, जयपुर में, रायपुर में, महासमुंद में, भिलाई में। तो यह रायपुर में रहते थे, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वो यह है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, रायपुर में, भिलाई में, राजनांदगांव में या बक्सर में। इनका जन्म हुआ था राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल कहाँ पर अतिथि साहित्यकार थे, तो सही जवाब हो जाएगा निराला सृजन पीठ में, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में कितने साल तक अतिथि साहित्यकार थे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो 2 वर्षों तक, 1994 से 1996 तक, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न, 1992 से 1994 तक विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में कब से कब तक अतिथि साहित्यकार थे, तो सही जवाब हो जाएगा जून 1992 से जून 1994 तक, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान कब मिला था, तो उन्हें यह पुरस्कार 1997 में मिला था, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल को 1997 में कौन सा पुरस्कार मिला था, सही जवाब हो जाएगा दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल को 1992 में कौन सा पुरस्कार मिला था, हमारा सही जवाब हो जाएगा इन्हें 1992 में रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार मिला था, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 1999 में, 1999 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था, सही जवाब हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि खिलेगा तो देखेंगे, यह जो है रचना वो किस विधा की रचना है, यह कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, उपन्यास है, यह आलोचना है। तो खिलेगा तो देखेंगे यह उपन्यास है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि अतिरिक्त नहीं यह किस प्रकार की रचना है, यह कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, उपन्यास है या आलोचना है। यह कविता संग्रह है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल की कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ था, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी या इतालवी। तो इतालवी भाषा यानी कि इटालियन लैंग्वेज में इसका अनुवाद हुआ था, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, इसकी रचना कब हुई थी, 1996 में, 1971 में, 1981 में अथवा 1992 में। तो सही जवाब हो जाएगा, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, इसकी रचना 1981 में हुई थी, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सब कुछ होना बचा रहेगा, इसके लेखक कौन है, सही जवाब हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सब कुछ होना बचा रहेगा यह किस विधा की रचना है, यह कविता संग्रह है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सब कुछ होना बचा रहेगा इसकी रचना कब हुई थी, विकल्प है 1971, 1981 और 1992। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, यह 1992 की रचना है, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। दुनिया जगत जगत कुएं का, जिस पर जाने कैसे चढ़ा एक नन्हा बच्चा, यह जो उक्ति है वो किसकी उक्ति है, यह विनोद कुमार शुक्ल की कविता की एक पंक्ति है, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे को, इस कविता का जो शीर्षक है इसमें कड़कुल शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, कड़कुल का अर्थ है करछुल, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न बिहार बोर्ड पूछता है, लिहाजा मैं आपके लिए लेके आई हूँ, पेड़ पर कमरा यह किस विधा की रचना है, यह कहानी संग्रह है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। हर वह औरत जो दबी सताई बोझ उठाने वाली है वह लोहा है, यह किस पाठ से लिया गया है, यह लिया गया है कविता प्यारे नन्हे बेटे को, इस कविता से लिया गया है। ये थे 50 प्रश्न, यह थे इस पाठ से बनने वाले तमाम प्रश्न। उम्मीद है कि इसके अलावा ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो इस पाठ से बन सकता है और आप प्रत्येक प्रश्न को बनाने में सक्षम होंगे, ऐसे में आशा करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए सक्षम पाठशाला के साथ। शुभरात्रि।